बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ गैल्वानोमीटर। बच्चों, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि गैल्वानोमीटर क्या है, गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, गैल्वानोमीटर किस तरह से वर्क करता है, और फिर एट द एंड ऑफ टॉपिक हम देखेंगे कि गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी से क्या मुराद है और किसी भी गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ गैल्वानोमीटर? सो गैल्वानोमीटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, हमने बताया है कि गैल्वानोमीटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट? सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब बच्चों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जितनी मोटर्स हैं, मीन ये जो पंखा है, सीलिंग फैन है या पेडेस्टल फैन है, या इसके अलावा बाकी भी जितनी मोटर्स हैं, मसलन जूसर ब्लेंडर के अंदर एक मोटर लगी होती है, घर में पानी का जो पंप है उसके साथ एक मोटर अटैच होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर एक मोटर लगी होती है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं। हम इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और जितनी ये डिवाइसेस मैंने बताई हैं ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट भी। सो गैल्वानोमीटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब डिटेक्शन का मतलब बच्चों ये है कि हम इससे करंट डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट का मतलब है कि सर्किट में करंट है या नहीं है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं है कर रहा, गैल्वानोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। गैल्वानोमीटर डायरेक्टली करंट को मेजर नहीं करता जब तक हम इसको मॉडिफाई करके एमीटर में ना कन्वर्ट कर लें। वो भी जब गैल्वानोमीटर का टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर हम गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन इनटू एमीटर और गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर, गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन इनटू ओम मीटर, इनको भी हम स्टडी करेंगे कि हम गैल्वानोमीटर को करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मीन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस तरह से मॉडिफाई करते हैं इनटू एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर रेस्पेक्टिवली। तो अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, उनका एक ही प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल आप पढ़ कर आए हैं कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें से करंट गुजर रहा है, उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इस पर फोर्स एक्ट करेगी,
और अगर हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर शेप का है या किसी भी शेप का है, उसमें से करंट अगर गुजरता है और उस कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो रोटेट करता है, उसमें टार्क पैदा होता है। तो टार्क इज सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम किसी कॉइल को करंट देंगे, करंट मीन इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब भी किसी कॉइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कॉइल रोटेट करता है, मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, तमाम का एक ही प्रिंसिपल है, टॉर्क ऑन करंट कैरियंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरियंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरियंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब बच्चों, टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या है जो हम पढ़ कर आए हैं पीछे? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट कैरियंग कॉइल इससे पिछले टॉपिक में बच्चों हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है एक करंट कैरियंग कॉइल का, दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी इनटू कॉस थीटा। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ लूप्स कह लें, नंबर ऑफ टर्न्स कह लें इन द कॉइल। आई हाउ मच द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज गिवन टू दैट कॉइल, मीन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। A mean area of the coil, B mean strength of the external magnetic field, theta mean orientation of coil in the external magnetic field. Actually it is angle between the plane of coil and direction of external magnetic field. According to this relation, टॉर्क वुड बी मैक्सिमम इफ थीटा इज जीरो, मीन इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क वुड बी मैक्सिमम। टॉर्क विल बी मिनिमम और जीरो व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, वेयर मैंने बच्चों बताया है n number of turns in the coil, I current in the coil, area of the coil जिसको हम capital A लिख रहे हैं, B strength of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बच्चों बोलते हैं, थीटा ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली इट इज एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो वंस अगेन बच्चों,
आई हैव टोल्ड यू गैल्वानोमीटर इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मीन एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मकैनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल यू नो दैट इज टॉ एट इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। एन मीन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई मीन करंट इन द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के अमाउंट ऑफ करंट कैरिंग सिंपली करंट इन द कॉइल या थ्रू द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, थीटा ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मीन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। गैल्वानोमीटर की जो हम कंस्ट्रक्शन बयान करने वाले हैं दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर। अदरवाइज जो मॉडर्न गैल्वानोमीटर्स हैं वो मूविंग कॉइल टाइप के गैल्वानोमीटर होते हैं जिनको एंड पे जाकर हम स्टडी भी करेंगे, लेकिन जो मॉडर्न गैल्वानोमीटर हैं उनको हम डी आर्सनल या वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर्स बोलते हैं। लेकिन हम जो कंस्ट्रक्शन बयान करने वाले हैं वो एक सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन को दिखाएंगे। मॉडर्न गैल्वानोमीटर्स आर ऑफ मूविंग कॉइल टाइप गैल्वानोमीटर्स कॉल्ड डी आर्सनल या वेस्टर्न गैल्वानोमीटर्स। हम कह रहे हैं बच्चों जो मॉडर्न गैल्वानोमीटर्स हैं वो मूविंग कॉइल टाइप के गैल्वानोमीटर्स होते हैं, उनको डी आर्सनल या वेस्टर्न गैल्वानोमीटर का हम नाम देते हैं। अ सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर इज स्कीमेटिकली शोन है। हम आपको बच्चों एक सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर स्कीमेटिकली दिखाने लगे हैं। स्कीमेटिकली का मतलब है कि जो जो पार्ट उसकी वर्किंग में इन्वॉल्व हैं हम वो वाले पार्ट आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में दिखाने वाले हैं। वैसे तो आपको बताया है कि जो मोस्ट मॉडर्न गैल्वानोमीटर्स हैं वो मूविंग कॉइल टाइप के गैल्वानोमीटर्स होते हैं, उनको डी आर्सनल या वेस्टर्न गैल्वानोमीटर बोलते हैं। हम आपको एक सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं ताकि आप उसकी वर्किंग को आसानी के साथ इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो लुक हियर द सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ गैल्वानोमीटर। जी डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द सिंप्लीफाइड गैल्वानोमीटर जो कि हमने आपको स्कीमेटिकली दिखाया है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल बच्चों आपको नज़र आ रहा है। इस कॉइल को हमने पी क्यू आर एस से लेबल कर दिया है। ये कॉइल बच्चों याद रखें कॉपर वायर का बना होता है जो एनेमल्ड होती है, जिसको इंसुलेटेड कॉपर वायर कहते हैं। और ये कॉपर जो वायर है ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की फ्रेम के ऊपर ये कॉइल वो लिपटा हुआ होता है एंड सस्पेंडेड बिटवीन द कनकेव शेप्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंशन वायर T1। दिस सस्पेंशन वायर इज एक्चुअली द वन एंड ऑफ दैट कॉइल। इट सर्व्स एज वन करंट लीड
द अदर टर्मिनल ऑफ द कॉइल या अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द लूजली वाउंड स्पायरल विच इज लेबल्ड हेयर T2. दिस एंड बिहेव एज सेकेंड करंट लीड. हेयर इज अ soft iron core F which is placed inside the coil. इस coil के अंदर बच्चों ये एक cylinder हमें नज़र आ रहा है. इस cylinder का काम क्या है ये बच्चों अभी एक diagram में भी वाज़े करेंगे, लेकिन इस core का काम है कि जब इस wire में से current गुजरता है magnetic field produce होता है जो इस परमानेंट मैग्नेट के फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है. तो ये जो सिलेंडर हमने रखा हुआ है जिसको हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर कह रहे हैं, एक्चुअली तौर पर ये मैग्नेटिक फील्ड्स को इंटेंसिफाई करता है. कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? दोनों तरह के मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करेगा. कॉइल के अंदर जो फील्ड पैदा हो रहा है और जो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है और मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है. अब रेडियल का मतलब क्या है? एक टॉप व्यू से हम एक और डायग्राम बनाकर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को ज़रा एक्सप्लेन करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल क्यों हम चाहते हैं ये भी हम बयान करेंगे. तो सिंपलीफाइड गैल्वानोमीटर को हमने स्कीमेटिकली दिखा दिया है. इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. फॉर एग्जांपल हम एल्युमिनियम कह सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन फ्रेम ऑफ सम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड is suspended between concave shaped north and south poles of permanent magnet with the help of suspension wire T1 which acts as one current lead. अब बच्चों देखें, मैंने एक सेंटेंस के अंदर तकरीबन 99% मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब कर दी है. फिर बता रहा हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ है, वाउंड किया गया है एक फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, सस्पेंड किया गया है कनकेव शेप नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट. ये एक पूरा परमानेंट मैग्नेट है जिसको यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं. पोल्स बच्चों जो हैं वो कनकेव शेप हैं, लेकिन ओवरऑल मैग्नेट की जो शेप है वो यू शेप है. तो चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ परमानेंट यू शेप्ड मैग्नेट. तो चूंकि हमारा इंटरेस्ट ओवरऑल मैग्नेट की शेप के साथ नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इन पोल्स की शेप के साथ है. जो हमने कह दिया है कि हमने जो पोल्स बनाए हैं वो कनकेव शेप के हैं. सस्पेंडेड किया गया है बाई मीन ऑफ दिस वायर जिसको हमने T1 कह दिया है. ये सस्पेंशन वायर है. ये सस्पेंशन वायर को जिसको T1 कह रहे हैं, इट बिहेव एज वन करंट लीड. अब अगली बात, द अदर टर्मिनल ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू लूजली वाउंड स्पायरल.
ये स्पाइरल है बच्चों, ये एक स्पाइरल है, यानी नरमो मुलायम स्प्रिंग है, हल्का फुल्का स्प्रिंग है, तो इसको हम लूजली वाउंड स्पाइरल का क्या है वो नाम दे रहे हैं। तो दूसरा जो टर्मिनल है वो इस स्पाइरल के साथ कनेक्ट है, दैट बिहेव ए सेकेंड करंट लीड। अब बच्चों ये करंट लीड क्या है, अब आप बच्चों जानते हैं कि किसी भी डिवाइस को हम चलाते हैं तो हम उसको जो करंट देते हैं वो दो तारों से देते हैं। एक तार अगर डीसी सोर्स को देखा जाए हाई पोटेंशियल को शो कर रही है, दूसरी लो पोटेंशियल को शो कर रही है। अगर हम एसी सोर्स को देखें तो एक फेस होता है यानी लाइव वायर होती है, दूसरी न्यूट्रल होती है। अगर हम डीसी सोर्स की बात करें तो इधर से अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, इधर नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे सोर्स का, तो तब ही इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा और ये कॉइल घूमेगा। या अगर इधर पॉजिटिव लगा दें उधर नेगेटिव लगा दें तब भी करंट फ्लो करेगा, कॉइल घूमेगा, लेकिन रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों ये जो दो एंड हैं इनको हम करंट लीड कह रहे हैं, तो ये वो दो तारे हैं जिनमें से करंट इन टू द डिवाइस जाता है और आउट ऑफ द डिवाइस आता है। जैसा कि आम पेडेस्टल फैन होता है उसके साथ तार लीड लगी होती है, आगे आप स्विच लगाते हैं, शूज़ जिसको कहते हैं उसके आगे दो टांगें सी बनी होती हैं उसको साकेट में लगाते हैं, तो वो दो टांगें एक्चुअली तौर पर इंटरनली दो वायर्स के साथ अटैच हैं, वो दोनों वायर्स मोटर के अंदर कॉइल के दोनों टर्मिनल के साथ अटैच हैं, जिनको हम करंट लीड का बच्चों नाम दे रहे हैं। सो दिस वन वायर एक्ट एज वन करंट लीड। द अदर टर्मिनल ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू लूजली वाउंड स्पाइरल टी टू दैट बिहेव्स एज सेकंड करंट लीड। द अदर टर्मिनल ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू लूजली वाउंड स्पाइरल, जिसको हम टी टू लिख रहे हैं, दैट बिहेव्स एज सेकंड करंट लीड। ये जो दूसरा टर्मिनल है जो कि स्पाइरल स्प्रिंग हम कह रहे हैं, जिसको टी टू का नाम दिया हुआ है, ये करंट की दूसरी लीड एक्ट करता है। अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जिसको बच्चों हमने इधर एफ का नाम दिया है, एफ इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल एंड स्ट्रांगर। हम कह रहे हैं ए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर एफ इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल एंड स्ट्रांगर। अब बच्चों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाई हैं। एक ये डायग्राम है जो आपने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, इस कॉइल का नाम पी क्यू आर एस है। अब जब इस कॉइल में करंट गुजरेगा तो करंट का फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, इस कॉइल पे कपल एक्ट करता है, ये घूमता है, इसमें टॉर्क पैदा होता है। इन जनरल टॉर्क का फार्मूला हमने रीड किया है, टा इक्वल टू एन आई ए बी कॉज एल्फा कह लें, या यहाँ पर मैं अगर जो एंगल यूज़ किया उधर वही लिख दूँ, कॉज थीटा लिख दें। अब थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हेयर इन दिस ओरिएंटेशन प्लेन एंड फील्ड आर पैरेलल, हेयर इन दिस ओरिएंटेशन थीटा इज़ ज़ीरो, हेयर इन दिस ओरिएंटेशन कॉज ज़ीरो इज़ वन, हेयर इन दिस ओरिएंटेशन टॉर्क इज़ मैक्सिमम। लेकिन जो ही कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा ये थीटा की वैल्यू ज़ीरो से इंक्रीज़ करेगी, कॉज का फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी,
इट मीन्स इस कॉइल के अंदर पैदा होने वाला टार्क जो इस ओरिएंटेशन पे मैक्सिमम था वो कम होना शुरू हो जाएगा। इन जनरल एट एनी ओरिएंटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑन करंट कैरियंग कॉइल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज टॉ इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। नाउ व्हेन दिस कॉइल इज सेटल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक, यानी जब ये 90 डिग्री कॉइल घूम जाएगा, जब 90 डिग्री घूमने के बाद कॉइल की जो प्लेन है फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसका मतलब है थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, टार्क जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब कॉइल घूमता है कॉइल की ओरिएंटेशन बदलती है तो कॉइल के अंदर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी स्कीम बिल्ड कर लें जिसमें हर ओरिएंटेशन पे थीटा की वैल्यू ज़ीरो ही रहे, इट मींस अगर ये कॉइल घूम भी जाए इवन देन मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल ही रहे तो थीटा ज़ीरो ही रहेगा, का ज़ीरो हमेशा वन ही रहेगा, टार्क की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम ही रहेगी। अब इसका मतलब यह है कि जितना एंगल कॉइल घूमता है अगर इतने ही एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन भी अगर चेंज हो जाए तो फिर फील्ड और कॉइल की प्लेन हमेशा पैरेलल रहेंगी और थीटा की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, का ज़ीरो वन ही रहेगा, टार्क की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। ऐसे फील्ड को हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया है। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि अगर तो ये पोल्स यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल यूं प्लेन होते तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं स्ट्रेट ही होती, जैसा कि ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया। अगर पोल फेसेस यूं पैरेलल होते, स्ट्रेट होते और बीच में कॉइल यूं हेल्ड किया होता तो जब ये कॉइल थोड़ा सा यूं रोटेट करता तो इसका मतलब है फील्ड तो चूँकि नॉर्थ से साउथ जा रहा है कॉइल की ओरिएंटेशन बदल जाती तो टार्क की वैल्यू भी कम हो जाती। हम चाहते हैं कि टार्क अगर इस ओरिएंटेशन पे मैक्सिमम है, कॉइल जूं जूं घूमता जा रहा है, टार्क की वैल्यू मैक्सिमम ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमने जो नॉर्थ और साउथ पोल यूज़ किए हैं वो यूं प्लेन नहीं है बल्कि यूं इनवर्ड कर्वेचर हैं, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, हम इनको कनकेव शेप नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट दे रहे हैं। अब जब ये कनकेव शेप नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होंगे, बीच में इनके ये कॉइल मौजूद होगा, तो अब अगर हम बच्चों टॉप व्यू लें ऊपर से जब देखेंगे तो हमें ये कॉइल की ये जो विड्थ है ये हमें नज़र आएगी, जो हमें ये मैंने दिखाई है कि ये कॉइल का ऊपर से हमें ये टॉप व्यू लें तो ये नज़र आ रहा है। टॉप व्यू लें तो ये जो कनकेव शेप के नॉर्थ एंड साउथ पोल इधर तो हमने यूं दिखाए हैं, इस प्लेन में दिखाए हैं, लेकिन टॉप व्यू लें तो आपको यूं नज़र आएंगे ऐसे, इधर ये क्या है साउथ है, इधर क्या है नॉर्थ है, तो इनको मैंने इधर यूं डिस्प्ले कर दिया। अब ये नॉर्थ है ये साउथ है, बीच में आयरन का सिलेंडर है, ऊपर से देखें तो आप टॉप व्यू लें तो इस आयरन सिलेंडर का आपको यूं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं वो इस आयरन सिलेंडर में से होकर जाएंगी, कंसंट्रेट करेंगी, इट मींस फील्ड को ये आयरन सिलेंडर इंटेंसिफाई करेगा। दूसरा, जो फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल का मतलब यहाँ से जो फील्ड लाइन निकल रही हैं वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल जा रही हैं, और ये जो लाइन होती है इसको रेडियल लाइन कहते हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की डायरेक्शनें हैं वो टूवर्ड द सेंटर हैं, इट मीन्स हम बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है जिस वक्त वो इस नॉर्थ पोल को लीव करती हैं या साउथ पोल में वो कंसंट्रेट करती हैं तो उनकी डायरेक्शनें रेडियली इनवर्ड हैं या रेडियली आउटवर्ड हैं, तो इस फील्ड को हमने रेडियल फील्ड का नाम दे दिया है। अब इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला जो फील्ड है अफेक्टिवली इस कॉइल की प्लेन के पैरेलल है, तो जब ये कॉइल इस ओरिएंटेशन से घूम के इस ओरिएंटेशन पे सपोज करे आएगा तो ये वही कॉइल है जो पहले उस ओरिएंटेशन पे था, अब ये घूम के इस नई ओरिएंटेशन पे आ गया है। तो जब इस ओरिएंटेशन पे था
तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्लेन के पैरेलल था। अब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इफेक्टिवली ये उसकी प्लेन के पैरेलल है, तो अगर ये क्वायर घूमता भी है इवन देन हर स्टेज पे हर ओरिएंटेशन पे थीटा की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम ही रहेगी। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्लेन ऑफ कॉइल के हमेशा पैरेलल रहे, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम जो नॉर्थ और साउथ पोल्स यूज़ कर रहे हैं वो कनकेव शेप के हैं, और कनकेव शेप के जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उनके मुताबिक इस कॉइल के अंदर जो टॉर्क की वैल्यू होगी दैट वुड बी मैक्सिमम एट ऑल द ओरिएंटेशंस ऑफ कॉइल इन दैट मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। सो दिस इज़ द वे बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेड रेडियल एंड स्ट्रांगर। स्ट्रांगर तो आपको बता दिया है कि बच्चों हमने सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए लगाई है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिफाई हो। क्यों? क्योंकि जो आयरन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी परमीबिलिटी बहुत हाई होती है, रिलेटिव परमीबिलिटी की बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर देती है। और रेडियल फील्ड के लिए जो पोल्स हैं वो कनकेव शेप के हम यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से गैल्वानोमीटर वर्क करते हैं। व्हेन करंट आई पासिस थ्रू द कॉइल, हम कह रहे हैं कि जब करंट आई कॉइल में से पास करता है। अब जाहिर है बच्चों इस कॉइल में से तो करंट तब ही पास करेगा जब हम इन करंट लीड को सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। सपोज़ करें हमने ये जो करंट लीड है जिसको T1 कहा हुआ है इसको हमने हायर पोटेंशियल के साथ अटैच कर दिया है, ये जो करंट लीड है इसको लो पोटेंशियल के साथ अटैच कर दिया है, और अब इस कॉइल के अंदर से करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया है और मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को अज्यूम्ड कर दिया। अब जैसा कि इससे पहले वाले टॉपिक में बच्चों पढ़ कर आए हैं कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है इट बिहेव एज फोर्स ट्रेड कंडक्टर। अब एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कल हमने पढ़ा है कि जिस वक्त प्लेन ऑफ कॉइल फील्ड के पैरेलल होती है इस साइड पे फोर्स मैक्सिमम लगती है, इस साइड पे भी फोर्स मैक्सिमम लगती है, लेकिन ये जो दोनों साइडें ऊपर और नीचे वाली ये साइड करंट एंटी पैरेलल है फील्ड के, यहाँ पर करंट पैरेलल है फील्ड के, इस साइड और इस साइड पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती। तो अब जो फोर्स इस साइड पे लग रही है और जो फोर्स इस साइड पे लग रही है दोनों की डायरेक्शनें वो सेम नहीं है बल्कि अपोजिट हैं, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी इधर जो फोर्स लगती है वो आउटवर्ड है अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, इधर जो फोर्स लग रही है वो इनवर्ड है अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। तो बच्चों मैंने बताया कि व्हेन करंट आई पासिस थ्रू द कॉइल, यूं ही करंट कॉइल से गुजरता है तो कॉइल की जो वर्टिकल साइड्स हैं उन पे दो फोर्सें लगती हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, लाइन ऑफ एक्शन इनके डिफरेंट होते हैं, ऐसी फोर्सेस को कपल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी, जब करंट इस कॉइल में से गुजरेगा तो इस पे कपल एक्ट करेगा, उस कपल को डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। जो डिफ्लेक्टिंग कपल है दैट गिव राइज टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हमेशा आपको बताया है कि अफेक्ट ऑफ कपल इज टॉर्क, तो जो कपल है उसका नाम डिफ्लेक्टिंग कपल है, जो टॉर्क पैदा होगा इस कॉइल के अंदर वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जिसको हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था दैट इज इक्वल टू NIAB cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर फील्ड रेडियल है, यहाँ पर फील्ड हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा ज़ीरो है, इट मीन यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, जो कि हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि व्हेन करंट आई पासिस थ्रू द कॉइल अ कपल
X on it, known as deflecting couple, which gives rise to deflecting torque. First, मैंने बताया कि बच्चों जब करंट आई गुजरता है कॉइल में से, कपल ऐड करता है, कपल को डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। कपल फिर बता रहा हूँ, दो फोर्सों को बोल रहे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, विच गिव राइज टू डिफ्लेक्टिंग टार्क, और जो डिफ्लेक्टिंग कपल है वो टार्क प्रोड्यूस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्टिंग टार्क इज टाई इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। तो सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो ही है, तो टार्क की वैल्यू फिर मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी। इसको बच्चों हमने इक्वेशन नंबर वन कह दिया है। अब जब ये डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा होगा, ये क्वाइल घूमेगा, क्वाइल घूमेगा तो इस सस्पेंशन वायर के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। अब ट्विस्ट का मतलब बच्चों क्या है कि इसमें बल पड़ जाएगा, ऐसे ही जैसे कि हमारे पास वो ये एक बॉडी है, हमने इसको स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया। अब हम अगर इसको यूँ घुमाना शुरू कर दें नीचे बॉडी को, तो जो धागा है या जो सस्पेंशन वायर है उसके अंदर बल पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब हम उसको घुमाना छोड़ते हैं तो वो फिर रिवाइंड यानी वो वापस उल्टी डायरेक्शन में वो घूमना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब इस कॉइल पे डिफ्लेक्टिंग कपल ऐड करेगा, डिफ्लेक्टिंग कपल टार प्रोड्यूस करेगा, उससे इस वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, एंड ट्विस्ट गिव राइज टू रेस्टोरिंग कपल। जो ट्विस्ट है उससे इस कॉइल के अंदर रेस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होगा। रेस्टोरिंग कपल का मतलब है कि जो करंट का कपल है वो इस कॉइल को अगर यूं घुमा रहा है तो जो ट्विस्ट का कपल होगा वो इसको रिवर्स यानी अपनी जिस पोजिशन पर यह कॉइल पहले था उस डायरेक्शन में इसको अपोजिट डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करेगा। जो रेस्टोरिंग कपल होगा दैट विल गिव राइज टू रेस्टोरिंग टार्क। तो जिस वक्त ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम होता है उस वक्त रेस्टोरिंग टार्क और अप्लाइड टार्क, जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क कह रहे हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। द डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूसेस ट्विस्ट थीटा इन द सस्पेंशन वायर। फिर अंडरस्टैंड करें बच्चों, द डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूसेस ट्विस्ट थीटा इन द सस्पेंशन वायर टू गिव राइज टू रेस्टोरिंग कपल। अब बच्चों समझे, हम कह रहे हैं कि जब ये कॉइल घूमता है डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से ट्विस्ट थीटा प्रोड्यूस होता है इस सस्पेंशन वायर में। इस ट्विस्ट थीटा को बच्चों हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, बाद में ज़रा इसको डिस्कस करेंगे। टू गिव राइज टू रेस्टोरिंग कपल, जिससे फिर रेस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग टार्क इज directly proportional to the twist theta। हम कह रहे हैं कि जो टा है directly proportional है theta के। This implies हम कह रहे हैं टा equal to some constant into theta, टा equal to c into theta। आपको बच्चों पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है,
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हेयर द कांस्टेंट इज सी, दिस इज द रीस्टोरिंग टार्क। ये रीस्टोरिंग टार्क बच्चों कौन सा टार्क है, विच टेंड्स टू ब्रिंग द कॉइल टू इट्स इनिशियल ओरिएंटेशन। यानी ये तो वो टार्क है जो करंट से प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने डिफ्लेक्शन का नाम दे दिया, डिफ्लेक्टिंग टार्क कह दिया। उस डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से ट्विस्ट थीटा प्रोड्यूस हुआ। ट्विस्ट थीटा की वजह से अब इस कॉइल पे डिफ्लेक्टिंग कपल के साथ एक और कपल एड कर रहा है, जिसको रिस्टोरिंग कपल कह रहे हैं। तो जिस तरह से ये वाला कपल डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा कर रहा था, अब जो रिस्टोरिंग कपल होगा वो रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करेगा। कितना प्रोड्यूस करेगा ये तो थीटा पे डिपेंड करता है। सो टाई इक्वल टू सी थीटा। हेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज नोन एज टॉर्शनल कपल। हेयर सी टॉर्शनल कपल, एक्चुअली इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नेम्ड एज टॉर्शनल कपल। अब टॉर्शनल कपल को कैसे डिफाइन करेंगे? अब जाहिर है बच्चों नज़र आ रहा है कि ये तो आ गया आपके पास रिस्टोरिंग टार्क, ये आपके पास आ गया ट्विस्ट। तो अगर हम ट्विस्ट इधर ले आएँ तो टा ओवर थीटा सी आ जाएगा। तो इसको डिफाइन करेंगे रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, दैट इज नोन एज टॉर्शनल कपल। मैंने इस टॉर्शनल कपल को डिफाइन किया है कि ये टॉर्शनल कपल क्या है। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसका इन्हसार इस तार के मटेरियल पे होता है, इस तार की लेंथ पे होता है, इस तार के डायामीटर पे होता है। इसका मतलब है कि ये जो टॉर्शनल कपल है ये डिफरेंट मटेरियल की वायर के लिए डिफरेंट, डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर के लिए डिफरेंट, डिफरेंट साइज ऑफ वायर के लिए ये डिफरेंट। इसका मतलब सी जो है ये है तो कांस्टेंट, नाम इसका टॉर्शनल कपल। डिफाइन कैसे करेंगे सी को? तो इस थीटा को उधर ले जाएं तो टा ओवर थीटा आ जाएगा। टा इज़ द रेस्टोरिंग टार्क, थीटा इज़ द ट्विस्ट। सो रेस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, दैट इज़ नोन एज टॉर्शनल कपल। अब इस इक्वेशन को बच्चों अगर हम नंबर टू का नाम दे दें, सो दिस इज़ द डिफ्लेक्टिंग टार्क एन आई ए बी, दिस इज़ द रिस्टोरिंग टार्क, और इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल होते हैं। मैथमेटिकली हम इनको बराबर या इक्वेट करके देखते हैं। ये जो बच्चों हमने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट थीटा, एक्चुअली इट इज़ हुक्स ला। ये भी बच्चों हुक्स ला है, लेकिन ये हुक ला रोटेशन के लिए है। जिस तरह से हम स्प्रिंग के लिए हुक ला एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखते हैं, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल लेते हैं। यहाँ पर फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टार्क लिया गया है, डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा कह रहे हैं, यहाँ पर उसको ट्विस्ट का नाम दिया है, डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो दिस इज़ आल्सो हुक लॉ फॉर द रोटेशनल मोशन। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम होगा तो फिर व्हेन कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम देन deflecting torque that is equal to restoring torque. deflecting torque बच्चों एन आई ए बी और restoring torque सी थीटा। यहाँ से अगर हम बच्चों आई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सी ओवर एन ए बी इंटू थी, हमारे पास इक्वेशन आ गई है जिसमें सी एन ए बी ये सारे कांस्टेंट्स हैं। दिस शोज दैट द डिफ्लेक्शन जिसको हम ट्विस्ट कह रहे हैं
थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, कि जो थीटा है वो करंट आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया है, इसको इक्वेशन थ्री का नाम बच्चों हमने दे दिया है। सो दिस शो दैट डिफ्लेक्शन या ट्विस्ट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो ट्विस्ट थीटा है या जिसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कह रहे हैं, इसको किस तरह से डिटरमिन करते हैं।